शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुसीबत के वक्त क्या कहे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुसलमान पर कोई मुसीबत आए और वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर कहे, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अख्लिफली खैरन मिन्हा, ए अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे और मेरे लिए इसका नेमुल बदल अता फरमा, तो अल्लाह इसको इससे बेहतर अता फरमाते हैं। जब अबू सलमा फौत हुई तो मैंने कहा, अबू सलमा से अफजल कौन सा मुसलमान होगा। पहले घराना था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की तरफ हिजरत फरमाई। फिर मैंने इसी कौल को पुख्ता यकीनी से दोहराया तो अल्लाह ने मेरे लिए अबू सलमा के बदले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मेरे पास हातिब बिन अबी बलता को अपने लिए पैगाम निकाह देने के लिए भेजा। तो मैंने कहा, मेरी एक लड़की है और मैं गैरतमंद हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी बेटी के लिए तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इससे बेन्यास कर दे, और इनकी शर्मिंदगी के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे ख़त्म कर दे।